हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। डीएनए वाले संघ प्रमुख के बयान पर बड़ा घमासान। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा किसी के गले नहीं उतर रहा भागवत का बयान। बीजेपी और संघ की कथनी और करनी में फर्क। मायावती ने कहा भागवत के बयान पर यकीन नहीं करेंगे मुस्लिम। आरएसएस के मुंह में राम, बगल में छुरी। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोली मायावती, यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया मुद्दा, डरा धमका कर धर्म परिवर्तन करना ठीक नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर घमासान का, भारत में हर धर्म के लोगों का डीएनए एक, हिंदू मुस्लिम के एक ही पूर्वज। मोहन भागवत ने कहा लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के विरोधी, मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते कहने वाले हिंदू नहीं। मुसलमानों को संघ प्रमुख की सलाह, मुसलमानों को भारत में इस्लाम खतरे में है वाले डर के चक्र में नहीं फंसना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने किया भागवत पर पलटवार का, नफरत हिंदुत्व की देन, कायरता हिंसा और कत्ल करना गोडसे के हिंदुत्व वाली सोच का हिस्सा। ओवैसी ने कहा गोकशी के आरोप में मुस्लिमों की हत्या करने वालों को हिंदुत्ववादी सरकार का संरक्षण हासिल, जुनैद अखलाक पहलू रकबर अलीमुद्दीन का लिया नाम। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा भागवत की कथनी और करनी में फर्क, पहले अपने शिष्यों को समझाने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भागवत के बयान को बताया सही, धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। मोहन भागवत के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की चुटकी, कहा संघ का हो रहा है हृदय परिवर्तन। भागवत के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री नकवी, कहा संघ के विचार जनता के सामने आने से गुमराही गैंग के पेट में दर्द, संघ के खिलाफ माहौल बनाने वाले एक्सपोज हो रहे हैं। गुप्पा गुट ने पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक के बाद बदला पैंतरा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के बाद विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। गुप्पा गुट ने पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक पर जताई निराशा, कहा राजनीतिक नेताओं की रिहाई जैसे विश्वास बढ़ाने वाले कदम नहीं उठाए गए। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच दो बड़ी बैठक, पीएम के घर शनिवार रविवार रात हुई मीटिंग। शनिवार को शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक हुई बैठक, रविवार को शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक हुई मीटिंग। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद थे। महाराष्ट्र विधानसभा के हंगामेदार शुरुआत, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में रखा ओबीसी आरक्षण पर प्रस्ताव, विपक्ष ने प्रस्ताव फाड़कर हवा में लहराया। विधानसभा सत्र में तीनों कृषि कानून को रद्द करने का प्रस्ताव पास करा सकती है महाराष्ट्र सरकार, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। उद्धव कैबिनेट की बैठक में मराठा कोटा बहाल करने के लिए केंद्र से अनुरोध करने और ओबीसी आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव भी पास, दोनों मुद्दे पर आज प्रस्ताव सदन में पेश किए जाने की उम्मीद। ओबीसी आरक्षण पर कैबिनेट में पारित प्रस्ताव पर बोले फडणवीस, सरकार पर टाइम पास करने का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राजनीति। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले भारी हंगामा, विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे बीजेपी विधायक, कोरोना संकट और किसानों के मुद्दे पर हुआ हंगामा। बीजेपी विधायक राम सतपुते ने विधानसभा परिसर में दिया धरना, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग पर समय पर परीक्षा नहीं कराने का आरोप। एमपीएससी एग्जाम में देरी पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा कोरोना के कारण कई चीजें प्रभावित, इसी कारण परीक्षा में हो रही है देरी। विधानसभा सत्र शुरू होने पर फडणवीस ने सरकार को घेरा, कहा कभी नहीं रखा गया 2 दिन का सत्र, लोकतंत्र पर ताला लगाने की कोशिश। बीजेपी विधायक सुधीर मुंगटीवार ने कहा जल्द जेल में जाने वाले हैं देशमुख, बयान पर सत्ता पक्ष की तरफ से हुई नारेबाजी। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने लगाया पोस्टर, बकरीद के लिए कुर्बानी की मांग, सरकार के सर्कुलर पर जताई आपत्ति। शिवसेना से तनातनी के बीच फडणवीस ने दिया बड़ा बयान, का हमारे बीच कुछ मतभेद हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं। फडणवीस के बयान पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, का हमारे संबंध भारत पाकिस्तान की तरह नहीं, आमिर और किरण राव की तरह, कहा रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्ती कायम। लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की लखनऊ समेत कई ठिकानों पर छापेमारी, यूपी के अलावा बंगाल और राजस्थान में भी रेड। रिवर फ्रंट मामले में कुल 42 जगहों पर पड़े हैं छापे, यूपी में लखनऊ अलीगढ़ समेत 40 जगहों पर चल रही है रेड। आरजेडी का 25वें स्थापना दिवस पर पटना में समारोह, लालू यादव ने दिल्ली से किया वर्चुअल उद्घाटन। आरजेडी स्थापना दिवस कार्यक्रम में नजर नहीं आए तेज प्रताप यादव, तेजस्वी ने जन्मदिन पर रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। बिहार की राजनीति में लालू की री एंट्री के साथ ही पोस्टर वॉर शुरू, आरजेडी ने पोस्टर पर लालू की तस्वीर छपवाई तो जेडीयू ने लालू की जेल यात्रा और घोटाले को लेकर पूछे सवाल। हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने के लिए पटना पहुंचे चिराग पासवान, समर्थकों ने की फूलों की बारिश। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने किया चिराग पर पलटवार, पूछा किसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं चिराग। आशीर्वाद यात्रा शुरू करने से पहले चिराग पासवान ने दिल्ली में परिवार के साथ दी अपने पिता को श्रद्धांजलि, पासवान नाम की किताब का किया विमोचन। पिता को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए चिराग पासवान, कहा शेर का बेटा हूँ, किसी से डरूंगा नहीं। चिराग पासवान ने कहा मुझे किसी को ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद यात्रा का मकसद सबके पास जाना और आशीर्वाद लेना।
पीएम मोदी ने जन्मदिन पर रामविलास पासवान को किया याद, कहा पासवान की कमी खल रही है, देश के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। अब हरियाणा कांग्रेस में मचा घमासान, हुड्डा समर्थक विधायकों ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के खिलाफ खोला मोर्चा हटाने की मांग। कल कुमारी शैलजा ने भूपिंदर हुड्डा की शिकायत की थी, आज हुड्डा समर्थक विधायक करेंगे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का बिजली और ड्रग्स के मुद्दे पर प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार। बीजेपी के प्रदर्शन में कई पुलिस वाले घायल, कई प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई। कानपुर में पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध जताया। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस का दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन, कहा केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली कोलकाता में शतक मारने के करीब पेट्रोल, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99.86 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 99.84 रुपए प्रति लीटर मिल रहा पेट्रोल। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में सोनामुखी के बीजेपी विधायक दीपाकर घरामी पर हमला, बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी के गुंडों पर हमले का आरोप लगाया, कहा दीदी इसे छोटी घटना कहकर करेंगी खारिज। बीजेपी विधायक दीपाकर घरामी ने कहा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अचानक शुरू की, मेरे गार्ड ने मुझे उनके हमले से बचाया। ईडी के तीसरे समन पर भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, देशमुख के वकील पहुंचे मुंबई में ईडी ऑफिस। देशमुख ने खत लिखकर ईडी पर उठाया सवाल, कहा ना सही प्रक्रिया का पालन हो रहा है, ना पारदर्शी जांच हो रही है। डीएसपी सुप्रीमो ने राफेल पर फ्रांस में जांच होने के बाद सरकार को दी सलाह, मामले का संज्ञान लेने और इसे मुद्दे को विराम देने को कहा। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर ओवैसी ने खेला मुस्लिम कार्ड, कहा 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं। बिना नाम लिए ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर वार, बोले 800 सदस्य जीते तब भी केवल 6 जिला अध्यक्ष क्यों। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को देखने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीमारी के कारण शिमला के अस्पताल में भर्ती है वीरभद्र। आगरा में सामने आया लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस, मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर पूर्व आईएएस की विधवा बेटी से शादी की, 11 साल तक किया शोषण। आरोपी ने दबाव डालकर महिला का धर्म परिवर्तन भी कराया, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी पति गिरफ्तार, आगरा सदर थाना में केस दर्ज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राशन किट के हवा के वाहनों को झंडा दिखाकर रवाना किया, 1500 जरूरतमंद परिवारों के लिए की जा रही है मदद। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने कैंची नहीं मिलने पर रिबन खींचकर उद्घाटन किया, मेडिपल्ली के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे सीएम। पीएम मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का करेंगे संबोधित, वर्चुअली अपने विचारों को करेंगे साझा। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव अद्भुत मंच, कई देशों को एक साथ लाता है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की याचिका पर आज दोपहर 3:30 बजे कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई, बुजुर्ग पिटाई वीडियो मामले में यूपी पुलिस के नोटिस को दी है चुनौती। 22 जुलाई से संयुक्त किसान मोर्चा करेगा संसद कूच, संसद के बाहर रोजाना 500 किसान करेंगे प्रदर्शन। किडनी फेल होने की समस्या से जूझ रहे अर्शदीप सिंह की मदद के लिए आ गया इंडियन वर्ल्ड फोरम, ऑस्ट्रेलिया की सरकार की मदद से मेलबर्न में एयरलिफ्ट करके गुरुग्राम के अस्पताल भिजवाया। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट बंद, अगले आदेश तक बंद रहेगा बाजार। लाजपत नगर मार्केट में कुछ दुकानें खुले मिलने पर कार्रवाई, एसडीएम के दौरे के दौरान सील की गई दुकानें। दिल्ली में आज से खुल गए स्टेडियम और खेल परिसर पर दर्शकों को नहीं मिलेगी एंट्री। यूपी में भी 50% क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल और जिम, एक्सरसाइज के लिए जिम जाने वालों ने ली राहत की सांस। यूपी में आज से स्टेडियम भी खुल गए, स्टेडियम में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी। कलबुर्गी में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया शरण बसेश्वर मंदिर, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। कोयम्बटूर में आज से श्रद्धालुओं के लिए खुले मंदिर, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। तमिलनाडु के शिवगंगा में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, मछली वाला त्योहार मनाने के लिए उमड़ी भीड़। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 40,000 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 723 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 9,000 नए केस, 24 घंटे में 123 लोगों की मौत हुई। मुंबई के धारावी में कोरोना का एक भी नया केस नहीं, धारावी में कुल 22 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना के 94 नए केस, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना के 126 नए केस की पुष्टि, 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत। साउथ दिल्ली के पौश इलाके सैनिक फार्म में ड्रग्स बनाने के रैकेट का भंडाफोड़, 70 करोड़ की हेरोइन बरामद, 5 गिरफ्तार। एनसीबी को बड़ी कामयाबी, ड्रग माफिया टिंकू पठान का करीबी सोनू पठान गिरफ्तार, एनसीबी के 3 केस में फरार चल रहा था सोनू। ग्रेटर नोएडा की केविनॉक सोसाइटी में लिफ्ट अटकने से बची अफरा तफरी, 2 छोटे बच्चों समेत 6 लोग 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे।
पालघर के वसई में समंदर में डूबने से दो युवकों की मौत। सुरुचि बीच पर पिकनिक मनाने गए थे दोनों युवक। दिल्ली के सीआर पार्क में स्कूटर सवार लोगों ने बुजुर्ग महिला से छीना पर्स, तीन गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद। ऑपरेशन प्रहार के तहत अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, 25,000 के इनामी बदमाश बलबीर को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में ट्रक और कार में टक्कर, हादसे में 6 की मौत। जालौर शोभा यात्रा में युवकों ने की हर्ष फायरिंग, हवाई फायरिंग करने वाले युवकों पर केस दर्ज, तलाश जारी। बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में पीड़ित ने स्ट्रेचर पर होने का लगाया आरोप, अस्पताल ने खारिज किया आरोप। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी सड़कें। उत्तरी अफगानिस्तान के कई जिलों पर तालिबान का कब्जा, मोर्चा छोड़कर भागे अफगान सैनिक। अमेरिका के फ्लोरिडा में कॉन्टो बिल्डिंग के बाकी हिस्से को विस्फोटकों के जरिए गिराया गया, इमारत में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में आएगी तेजी। फ्लोरिडा की इमारत गिरने के बाद करीब 150 लोग हैं लापता, रेस्क्यू टीम को जल्द अंडरग्राउंड गैरेज में मिलेगी पहुंचने की उम्मीद। लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर हुए धमाके के लिए पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक को जिम्मेदार ठहराया, पाकिस्तान के एनएसए ने कहा हमले का मास्टरमाइंड भारतीय नागरिक। अमेरिका में आतिशबाजी के साथ मनाया गया आजादी का जश्न, राष्ट्रपति बाइडेन ने लोगों को सेलिब्रेशन के लिए किया प्रोत्साहित। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने की 1,000 मेहमानों की मेजबानी का, अमेरिका कोरोना वायरस से आजादी मिलने के करीब। अमेरिका के मैरीलैंड में आतिशबाजी के दौरान धमाका, इंडिपेंडेंस डे शो का किया गया आयोजन, कुछ लोग हुए जख्मी। जापान के रिसॉर्ट शहर में लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबे 20 लोगों की तलाश जारी, 3 कोस्ट गार्ड शिप और 6 मिलिट्री ड्रोन कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद। थाईलैंड के कारखाने में हुए भीषण विस्फोट से हिला बैंकॉक, हवाई अड्डा पूरे इलाके को खाली कराया गया। एशले बार्टी ने विंबलडन के अंतिम 16 में बनाई जगह, चेक गणराज्य के खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराया। मोहम्मद अजहरुद्दीन को वापस मिली हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की कुर्सी, लोकपाल ने किया बहाल। कन्नड़ फिल्म यू टर्न का हिंदी रीमेक बनाएंगे एकता कपूर, जवानी जाने मन की एक्ट्रेस आलिया निभाएंगी मुख्य भूमिका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।